अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत सारी क्यूरीज हैं इस वक्त मार्केट में, मार्केट ट्रेंड को जानने के लिए, प्राइस एनालिसिस को देखने के लिए, और ये जो 6 जून का इंसिडेंट है उसके बाद मार्केट में जो प्राइसेस हैं या रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे जो बायर के एंड पे जो क्यूरी है या सेलर का जो प्रेशर है, हम भी पिछले एक हफ्ते से बड़ा इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। और इस इंसिडेंट के बाद इस्लाम स्टेट के चैनल से अपने सारे सेलर्स और बायर्स दोस्तों को ये कहा गया था कि आप एक हफ्ता 10 दिन वेट करें, इसकी पिक्चर क्लियर आ जाएगी, उसके बाद हम आपको कुछ सजेस्ट कर सकेंगे। तो आज मैं आपके साथ जो मार्केट का ट्रेंड ये पिछले 7 दिनों में जो सामने है वो शेयर करने जा रहा हूँ। 6 जून के बाद 2-3 दिन मार्केट काफ़ी स्लो रही, बल्कि थम गई। सेलर और बायर दोनों इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग, स्पेशली जो छोटे प्लॉट के ऑनर हैं 125 गज वाले, वो कुछ फ्रस्ट्रेशन उनमें नज़र आई और कुछ सेलिंग, थोड़ी सी प्रेशर आया, प्रेशर नहीं आया बल्कि अवेलेबिलिटी सामने आना शुरू हुई। जब वो अवेलेबिलिटी आना शुरू हुई तो डेफिनेटली बायर तो मौजूद है मार्केट में, तो उसको जब ऑफ़र जाना शुरू हुई तो मार्केट में जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं 1-2 लाख थोड़ी डिप आ रही थी, वो दोबारा स्टैंड कर गई। क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर आता है, सेलर डेस्परेट होकर चीज़ मार्केट में फेंकता है और उसको ऑफ़र ना आए, उससे अगला स्टेप ये होता है कि मार्केट डाउनवर्ड चलती है, फिर वो और प्राइस कम करता है ताकि मेरी ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाए। लेकिन जब उसको ऑफ़र आती है तो वो स्टेबल हो जाती, स्टैंड हो जाती। इस वक्त सिनेरियो ये है कि अगर पिछले एक हफ़्ते में हम लोग जो ट्रांजेक्शन हुई या मार्केट में सेल पर चीज़ें आई, इन्वेंट्री आई या उसकी ऑफ़र आई, तो हम ये कह सकते हैं कि 125 गज के प्लॉट के केस में ज़ाहिर है कम से कम जो इन्वेस्टमेंट बन रही है वो 125 गज के प्लॉट्स पे आ रही, उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन या आप करेक्शन का वर्ड कह सकते हैं थोड़ी सी भी, लेकिन अब वो भी दोबारा स्टेबल होगी। 250 गज, 500 गज या इससे ऊपर जो प्लॉट्स हैं, इसी तरह जो अपार्टमेंट्स हैं या विलाज हैं उन या कमर्शियल हैं, उनमें कोई चेंज आई नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो उसका सेलर है वो भी एक स्टेबल उसको ले कर चलता है, उसको वेट एंड सी पे जाता है, स्टडी करता है मार्केट को और देखता है फ्लक्चुएशन को, डिसीजन लेने में थोड़ा सा उसको टाइम लेता है, इसलिए उसके ऊपर कोई ऐसी मार्केट में इन्वेंट्री हमारे सामने नहीं आई जिसमें हमें सेलर के एंड पे कोई फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है या खुदा ना खास्ता उसमें किसी किस्म का कोई सेलिंग प्रेशर डेवलप हुआ। अभी आज अगर हम लोग संडे को बात कर रहे हैं तो आज मैं आपको ये मार्केट की पिक्चर अगर बताऊँ तो मार्केट में कोई किसी किस्म के डिप्रेशन नहीं आया फलाना खास्ता, बल्कि अगेन दोबारा मार्केट चलना शुरू हो गई है। अब वो पेस नहीं है जो 10 दिन पहले थी, डेफिनेटली वो नहीं है, लेकिन अब दोबारा वो सर्कल शुरू हो गए। मार्केट में उसी तरह बायर है, उसी तरह टोकन आ रहे हैं, उसी तरह ऑफर जा रही हैं, और सेलर जो है उसी तरह जो उसका एटीट्यूड है सेल के हवाले से, जब ऑफ़र आती है फिर उसके अगर और अच्छी ऑफ़र आती है तो उसके ऊपर जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो उसी तरह चलना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर यही ट्रेंड जो 2-3 दिनों से अभी हम देख रहे हैं एक हफ़्ता और चलता है तो अगेन हम उसी स्टेज पे खड़े होंगे जिस स्टेज पे एक हफ़्ता पहले खड़े थे। मैं समझता हूँ कि जो ये सारा इंसिडेंट हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो मार्केट रुकी है, जो करेक्शन हुई है, ये एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड इस सेंस में रहा कि सेलर और बायर दोनों को सोचने का भी मौका मिल गया, मार्केट को स्टडी करने का भी मौका मिल गया, और इसके अलावा अब जो डिसीजन आएंगे वो ज़्यादा मेच्योर होंगे। तो अगेन हम इंशाल्लाह फिर भी टाइम टू टाइम मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, यहाँ पे सेलिंग एंड पे या बायर एंड पे जो किसी किस्म की चेंज आती है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू।